सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होता है के अपवाद पर विचार विमर्श करेंगे। किसी भी अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रतिफल होना चाहिए। धारा 10 स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख करती है कि एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य है, और इसी तरह से धारा 25 कहती है कि प्रतिफल के अभाव में ठहराव व्यर्थ होते हैं। तो स्पष्ट होता है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं, परंतु इन अनुबंधों में विशेष परिस्थितियों में बिना प्रतिफल के भी ठहराव अनुबंध में प्रवर्तित हो सकता है, अर्थात प्रतिफल के बिना भी कोई ठहराव अनुबंध बन सकता है। तो अपवाद के रूप में ये कुछ बिंदु आते हैं और हम देखते हैं कि प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं के अपवाद। धारा 25 जब यह कहती है कि प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव व्यर्थ है, तो उसके कुछ अपवाद सामने आते हैं, जिनमें प्रथम है, यदि किसी अनुबंध में स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के द्वारा ठहराव किया गया है तो वह बिना प्रतिफल के भी मान्य होता है, लेकिन यह जरूरी है कि वह अनुबंध लिखित और पंजीकृत होना चाहिए। तो धारा 25 उपधारा 1 के स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि यदि स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित होकर निकट संबंधियों के मध्य कोई ठहराव है तो वह अनुबंध वैध होगा। इसके लिए जरूरी है कि अनुबंध का लिखित होना अनुबंध लिखित हो, प्रचलित राजनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, पक्षकारों को निकट संबंधी होना चाहिए, और यह अनुबंध स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित होकर के किया गया हो। दूसरा अपवाद आता है स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के अनुबंध के रूप में। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 के अनुसार जहां ठहराव ऐसे व्यक्ति या पक्षकार की पूर्ण अथवा आंशिक क्षतिपूर्ति करने का वचन है जिसने पहले ही वचनदाता के लिए कोई कार्य स्वेच्छा से किया है, अथवा कोई कार्य ऐसा किया गया हो जिसको करने के लिए स्वयं वचनदाता वैधानिक रूप से बाध्य था, तो ऐसा ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होगा, अर्थात वैध अनुबंध की श्रेणी में आएगा, चाहे अनुबंध में प्रतिफल का अभाव हो। तो स्पष्ट है कि यह स्वेच्छा से होते हैं और वचनदाता के लिए कार्य किए जाते हैं, वचनदाता का अस्तित्व होता है, पक्षकार में अनुबंध करने की क्षतिपूर्ति होती है, और इसमें वैधानिकता का गुण भी होना चाहिए। तृतीय बिंदु है अवधि वर्जित ऋण के भुगतानों का वचन। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट्स। वैधानिक रूप से कोई भी ऋणदाता अवधि वर्जित ऋण को वसूल करने का अधिकार नहीं रखता। सामान्यतः भारत में हम इस अवधि को 3 वर्ष के रूप में लेते हैं, अर्थात इसके पश्चात यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाए तो कानूनी तौर पर ऋण की वसूली नहीं की जाती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे ऋणों को स्वेच्छा से चुकाता है जो काल बाधित हैं या उनके पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भुगतान करने का वचन देता है, तो ऐसे अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होते हैं। इसी तरह से एक अपवाद है दान एवं भेंट के संबंध में, डोनेशन एवं गिफ्ट। दान देने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती,
दान मांगने वाले व्यक्ति दान देने वाले को बाध्य नहीं कर सकता, वाद नहीं चला सकता, परंतु यदि दान लेने वाला व्यक्ति दान मिलने के पश्चात उस पर विश्वास करके कुछ व्यय कर लेता है और दान देने वाला दान देने से इनकार कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वाद चलाया जा सकता है। अतः दान का अनुबंध यदि लिखित है तो धारा 35 के अनुसार यदि पक्षकार ने वास्तव में दान दूसरे पक्षकार को दिया है तो उसमें प्रतिफल को नहीं देखा जाता, अर्थात दान का अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होता है। नेक्स्ट है देय धन के बदले में कम धन चुकाया जाना। सामान्यतः कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि ऋणदाता और ऋणी के बीच में कोई ठहराव जो धन देने का होता है या चुकाए जाने का होता है उसमें ऋणदाता पूर्ण भुगतान के रूप में कम भुगतान प्राप्त कर लेता है, कम राशि प्राप्त कर लेता है और उसे पूर्ण राशि के रूप में मान लेता है, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण ऋण चुका दिया गया है ऐसा मान लिया जाएगा। तो देय धन के बदले में कम धन स्वीकार करना या चुकाया जाना भी प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ है के अपवाद के रूप में माना जाता है। इसी तरह से निशुल्क निक्षेप जो फ्री बेलमेंट है, यानी निक्षेप अनुबंध में प्रतिफल की अनिवार्यता का होना आवश्यक नहीं होता। निक्षेप प्रतिफल सहित भी हो सकता है और प्रतिफल रहित भी हो सकता है। अतः निक्षेप के अनुबंध यदि उनमें प्रतिफल नहीं होता तब भी वह मान्य होते हैं। हम सामान्यतः दैनिक जीवन में अपने मित्रों से कुछ वस्तुएं उधार लेते रहते हैं और कार्य संपन्न होने पर उसे वापस लौटा देते हैं। इस तरह हम एक जाने अनजाने में निक्षेप अनुबंध कर लेते हैं जिसमें प्रतिफल नहीं होता लेकिन यह मान्य होता है। इसी तरह से एजेंसी के अनुबंध भी प्रतिफल रहित हो सकते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 185 के अनुसार एजेंसी के अनुबंधों में प्रतिफल की अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती, तो कहा जा सकता है कि एजेंसी के अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होते हैं। तो इस तरह से हमने इन 7 बिंदुओं पर विचार किया जो बिना प्रतिफल के भी वैध माने जाते हैं और हम इन्हें प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होता है के अपवाद के रूप में देखते हैं। तो स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के द्वारा किए जाने वाले ठहराव, दूसरा था स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति का अनुबंध, तृतीय हमने देखा अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का वचन, चतुर्थता दान एवं भेंट के संबंध में किया गया अनुबंध, फिफ्थता देय धन के बदले में कम धन चुकाना, सिक्स्थ यानी छठा था निशुल्क निक्षेप और सातवां अनुबंध का जो प्रकार था वह था एजेंसी के अनुबंध। तो ये थे प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होता है के अपवाद, अर्थात इन अनुबंधों में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। आज के लिए इतना ही।